अस्सलामुअलैकुम। सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को दी गई तमाम नेमतों का ज़िक्र किया है, और ये वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने 31 बार इंसान को दावत फ़िक्र दी। दावत फ़िक्र कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इस सूरत की ख़ास बात इसकी इब्तदाई 4 आयात है जिनमें अल्लाह ने बहुत ही कीमती बातें की हैं। पहली आयत में अपने बारे में बताया है कि मैं रहमान हूँ, रहम करने वाला हूँ, मतलब एक ऐसी ज़ात जिसकी रहमत ठाठे मार रही हो, मुकम्मल जोश में हो, और यूँ ये तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दूसरी आयत में अल्लाह ने कुरान के बारे में बात की है कि कुरान तमाम किताबों से अफजल है। तीसरी आयत में इंसान के बारे में कहना है कि वो अशरफुल मखलूकात है और ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। चौथी आयत में बयान यानी बोलने का जिक्र है। अल्लाह की कुछ नेमतें ऐसी हैं जो और जानदारों को भी ज़मीन में हासिल हैं, मगर एक बोलना, बयान करना, ये सिर्फ इंसान को ये नेमत हासिल है, और यही काबिलियत इसे दूसरे जानदारों से अफजल करती है। सूरह रहमान की तलावत इंसान को अल्लाह का कर्ब अता करती है और इसको सवाब का हकदार बनाती है, मगर इसके साथ साथ इसको सुनना भी बेतहाशा फवायद देता है। किसी की ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश हो, वो किसी पेचीदगी बीमारी में मुबतला हो, वो सूरह रहमान को सुने तो अल्लाह उसकी मुश्किलात को हल फरमा देता है। रहमान के फवाइद पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम नॉर्वे के एक प्राइम टीवी चैनल पर पूरी दुनिया को लाइव दिखाया गया। उसमें बताया गया कि किस तरह तलावत सुनते सुनते इंसान अपने जिस्म में हरारत महसूस करता है, वो अपने सुकून को बयान नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया, मेडिकल माहिरीन, डॉक्टर्स और सर्जन सभी इस बात के गवाह हैं कि कैसे सूरह रहमान एक बीमार इंसान की बीमारी पर असर करती है, उसे ख़त्म करने में उसकी मदद करती है। एक खातून सर्जन अपने तजुर्बात बताते हुए कहती है, काफ़ी अरसा पहले जब मैं अपनी सर्विस की इब्तदा में थी, तब एक मरीज़ ऐसा भी आया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो वेंटिलेटर पर था। मैंने उसे और उसके घर वालों को ये अमल करने को कहा। सूरह रहमान का ये अमल अंतहाई आसान है। अगर आप किसी भी परेशानी में मुबतला हैं, किसी मुसीबत ने आपको आ घेरा है, या किसी मौजी बीमारी ने आज जकड़ लिया है, किसी भी सूरत में आप पुरसकून दिल के साथ आसान है। अगर आप किसी भी परेशानी में मुबतला हैं, किसी मुसीबत ने आपको आ घेरा है, या किसी मौजी बीमारी ने आज जकड़ लिया है, किसी भी सूरत में आप पुरसकून दिल के साथ सूरह रहमान की तलावत को सुनिए और फिर आधा गिलास पानी पीजिए। पानी पीते हुए अपनी आँखों को बंद रखिए और 3 बार दिल में अल्लाह का जिक्र करिए, और तलावत के बाद आधा गिलास पानी पी लेने से यकीन जानिए कि 7 दिनों के अंदर उसकी हालत बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। सूरह रहमान का ये अमल इस कदर पुरतासीर है कि ना कि सिर्फ अहले ईमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इससे मुस्तफीद होते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान में COVID-19 के हालात को देखा, वेंटिलेटर्स की कमी थी। मरीज़ के रिश्तेदार जब हमसे वेंटिलेटर की दरख्वास्त करते थे तो हम उनको यही अमल बताते थे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है जो हिदायत के साथ शिफा बनाकर उतारी गई है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, बेशक कुरान में सूरह रहमान में शिफा दी गई है, मगर जालिमों के लिए ये कुरान असारे के अलावा किसी चीज़ में इजाफा नहीं करता। एक और आयत का तर्जमा ये है, और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा है।